प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को ही एकमात्र रोग समझा है और पंचमहाभूत उपचार के माध्यम से शरीर की उत्सर्जन संस्था द्वारा उनको शरीर के बाहर निष्कासित करना ही एकमात्र उपचार माना गया है। इसमें रक्त परिसंचरण, शुद्धिकरण और शक्ति मितव्ययता, इन तीनों सिद्धांतों का मुख्य रूप से उपयोग होता है। व्यायाम इन तीनों सिद्धांतों का एक ही समय पर संयोजन करता है। यह पंचमहाभूतों में से पहले और सबसे बड़े अवकाश, वायु और तेज तत्वों का आहार और औषधि दोनों सिद्धांतों के साथ शरीर का पोषण करता है। व्यायाम करने से हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, उससे रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, श्वसन और पसीनों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने में मदद होती है। इस तरह इसके लिए खर्च होने वाली ऊर्जा की बचत होती है और ये ऊर्जा शरीर द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। व्यायाम करने से शारीरिक क्षमता बढ़ने के कारण भोजन के उचित पाचन, अभिशोषण और पाचन के बाद के अवांछित पदार्थों के अच्छी तरह से उत्सर्जन होने से रोगों का प्रतिबंध होता है और जरूरत पड़ने पर उसके उपचार में भी ये मददगार साबित होता है। इस तरह शारीरिक बीमारियों को रोकने में और उसके जल्दी ठीक होने में प्राकृतिक चिकित्सा में व्यायाम का अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।